नमस्कार गाइस, आज मैं हूँ द्वारका में और मैं आज आया हूँ 99 चाप में। मैंने सुना है जो इनकी चाप है वो काफ़ी बढ़िया है, तो आइए भैया से बात करते हैं। कैसे भैया? बस भैया। तो भैया मैंने सुना है जो आपकी चाप है वो 99 रुपीस से स्टार्ट होती है कि क्या सिस्टम? 49 से 99 दुकान का नाम है। अच्छा, तो आपकी चाप की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 49 रुपीस से स्टार्ट होती है। देखिए गाइस, इतनी महंगाई में 49 रुपीस से स्टार्ट होती है वो तो बिल्कुल आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो आपके पास और कौन सी चाप रहती है भैया? भैया मेरे पनीर टिक्का होता है। अच्छा, मसाला पनीर टिक्का होता है, अचारी पनीर टिक्का, मलाई पनीर टिक्का है, और भाई क्या मशरूम होती है। ये मशरूम भी है? अरे वाह, अगवानी चाप है, हरियाली है, मलाई है, लेमन है, मसाला है, अचारी है, पंजाबी मसाला है, पैरी पैरी है, सारी होती है चाप। तो भैया के पास तो देखो चाप की भरमार है। तो भैया आज कौन सी चाप लगा रहे हैं, क्या खाओगे बताओ? यही लगा दीजिए। कौन सी चाप है ये? आपके लिए लगा देता हूँ मसाला चाप। अरे मसाला चाप, अरे क्या स्पाइसी रहती है भैया? ये स्पाइसी रहती है, प्रॉपर स्पाइसी। टेस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग होता है, जो बंदा स्पाइसी मांगता है स्पाइसी। अच्छा, जिसको हल्का नॉर्मल खानी होती है वैसे नॉर्मल भी हो जाती है। अरे वाह, इसमें क्रीम डलवानी थी वो भी हो जाती है। मैंने नहीं उठाई भाई, नहीं चाहिए ना। तो देखिए गाइस, भैया नहीं चाहिए, कोयले पे गरम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ले लेना। ठीक है ठीक है, बटर लगा? हाँ ठीक है ठीक है। बटर कौन सा यूज़ करते हैं? अमूल मक्खन यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, सिद्धि लाइट। अच्छा, तो ये बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है, अमूल कोई फ़ायदा नहीं, अमूल वेस्ट है एक तरीके से। अच्छा, देखिए सोल्ट होता है उसके अंदर, और जो मेरे मसाले हैं वो हल्का सा तेज करूंगा तो नमक की कंप्लेंट आती है। अच्छा, तो ये जो मसाले रहते हैं, मैंने देखा आपके पास काफी सारे मसाले हैं, तो जो इनका? ये मेरा पंजाबी मसाला है। अच्छा, अचारी होता है, लेमन का मसाला है। अच्छा, ये मेरा चाट मसाला है। तो ये आपने घर पे खुद बनाते हैं भैया? खुद बनाता हूँ भैया ये। तो आप खुद लेके पिसवाते हैं, ऐसा रहता है? नहीं नहीं, मैं खुद घर में लाता हूँ, मिक्सी में पीसकर खुद ही बनाता हूं। ऐसा करते हैं? अरे तो देखो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, वरना लोग क्या करते हैं चाट मसाला वगैरह बाहर से ले आते हैं, बोलते हैं हमारे मसाले हैं, बट भैया ने कहा कि वो खुद ही पीसते हैं। तो भैया को स्वाद का पता रहता है कि कैसा स्वाद? हाँ जी। देखिए इसको कितनी देर लग जाती है बनने में? इसको लग जाएंगे 5-7 मिनट बस। तो भैया आप क्या स्विगी, जोमेटो, ऊबर ईट्स वगैरह किसी और पे? सब पे भी है। अभी आ गए? हाँ आ गए। तो देखिए गाइस, भैया अभी सब पे है, और अगर किसी को रामफल चौक में आपकी शॉप पे आना हो तो लोकेशन क्या रहती है? लोकेशन भाई रामफल चौक, RBL बैंक। तो देखिए गाइस, RBL बैंक है। देखिए गाइस, यहाँ पे भैया की आपको शॉप मिलेगी। आपके टाइमिंग क्या रहते हैं? शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक। तो कभी आपका माल जल्दी खत्म हो जाए तो फिर जल्दी चले जाते हो? नहीं, जल्दी मैं फिर भी नहीं जाता। अच्छा, तो मैं और माल ले आता हूँ। अच्छा ठीक है गाइस, ये आ गई अगवानी चाप। के पास है अगवानी चाप का भी ऑप्शन आ गया। इसका क्या प्राइस रहता? इसका भी 49 है। अच्छा, तो ये 49 में कितना कुछ मिल रहा है, देखिए। अरे वाह, तो एक बारी में कितने सारे आप लगा सकते हैं प्लेट? मैं एक बारी में 10-12 प्लेट लगा सकता हूँ। अरे वाह, तो भैया आपको कितने साल हो गए करते हुए? भैया मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं भाई के रेस्टोरेंट में बैठता था, वहीं से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद यहाँ आया। बट आपको देखिए लग रहा है आपकी एज काफ़ी यंग है, तो आप कितने साल के हैं भैया? नहीं भैया, मैं 25 ईयर्स का हूं। यंग ही है भैया, देखो 25 की एज में भैया ने देखो अपना काम स्टार्ट किया। देखिएगा इसको भी 5-7 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस पनीर जो होता है वो टाइम ले जाता है, 10-1 मिनट ले जाता है। जो चाप है वो 5-7 मिनट में रेडी हो जाती है। अरे वाह, तो आप शादी पार्टीज वगैरह में भी करते हैं? सब जगह। देखिए गाइस, अगर आपको भी शादी बर्थडे पार्टीज वगैरह में करना हो तो बिल्कुल भैया के पास किट्टी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, सब में हो जाता है। देखिए गाइस, आप मलाई लग गई भैया, गाइस मलाई चाप की भी डिमांड आ गई है। देखिए गाइस, क्रीम कौन सी रहती है आपके पास? क्रीम बड़े भाई है ये, कौन सी कंपनी के भैया? मैं तो जूम कर ये सिद्धि लाइट होती है, वो होती है डिलीशियस। अच्छा, ये क्रीमी रहती है? ये क्रीमी रहती है। जो भैया का वादा है कि जो इनकी जो क्रीम जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी बढ़िया रहती है। गाइस देखिए, नहीं जल रही है यार, ये चाप रेडी हो गई? हाँ जी। अरे बहुत फटाफट हो गई। भैया हमने इसमें मसाले डाल दिए, ऊपर से डाला हमने बटर, धनिया और नींबू निचोड़ दिया। फिर ये मिर्च वाला मसाला? हाँ जी, ये स्पाइसी के लिए, स्पाइसी रहता है। हाँ, भैया ने ऊपर से डाल दी चटनी, भैया ने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया।
और भैया ने ऊपर से डाली अच्छे से क्रीम और ऊपर से डाल दिया धनिया। तो क्या है भाई, प्लेट तैयार हो गई? हाँ जी तैयार हो। देखिए गाइस हमारी एक जो चाप है वो तैयार हो गई है, अब हम बाकी चाप्स की वेट करते हैं। साथ में मैंने दे दिया प्याज, देखिए गाइस ऊपर से डाल दी चटनी। देखिए हम बाकी चाप की वेट करते हैं। चलो ये जे प्लेट लग गई है, अब ठीक है हमारे यहाँ। ये आ गई मेरी अगवानी चाप, दूसरी भी लग गई है। देखिए गाइस ये आ गई अगवानी चाप, ये स्पाइसी नहीं होती। हर कोई बंदा क्या करता है अगवानी, कोई मलाई कर देता है। अच्छा। मलाई कोई अगवानी कर देता है। अच्छा। मेरे पास वो नहीं होता, वो वाइट में मलाई अगवानी होती है और जो ये है इसमें वो होती है मलाई होती है। ये आज मुझे भैया ने नॉलेज दे दिया, वरना मुझे इतना पता नहीं था। और ये नॉन स्पाइसी नहीं होती अगवानी, स्पाइसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि स्पाइसी अगर करोगे तो अगवानी का मतलब ही खत्म हो जाता बड़े भाई। देखो आज भैया ने मुझे इतनी बढ़िया नॉलेज दी, वरना मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी रहता है। देखिए ये पूरा क्रीमी, इसे कहते हैं क्रीमी टेक्सचर रहता है अंदर। अरे वाह, 49 रुपीस में आपको बताएगा और क्या मिलेगा। देखिए यार मजा आ गया गाइस, देखिए ऊपर से मैंने इसको और क्रीम डाल दी है, हल्का बटर आएगा, ऊपर से धनिया डाल दिया। अब हम अपनी ऊपर से मसाले डाल दिए। ये हो गया अगवानी चाप, ये लास्ट चाप की वेट करते हैं। अगवानी आपकी दिया, क्या चाप रेडी हो गई? देखिए गाइस हमारी फाइनल चाप अब रेडी हो गई है। स्पाइसी रहती है? हाँ ये मलाई होती है, हल्की स्पाइसी होती है। अच्छा। क्रीम बटर इसमें भी ऐड होता है लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होता। देखिए भैया को बहुत अच्छी नॉलेज, देखिए मैंने 2 साल में कितना कुछ सीख लिया। ये इसमें बटर, अरे वाह, थोड़ा मसाला, मैंने बटर में कोई कंजूसी नहीं करी, हल्का लेमन। 49 रुपीज़ में आपको और क्या मिलेगा। तो देखिए गाइस ये देखते देखते हमारी जो चाप है वो तैयार हो गई है। तो अगर आप भी चाप के दीवाने हैं तो बिल्कुल आए 99 चाप्स में, वहाँ पे आपको ये भैया मिलेंगे और उनको ज़रूर मेंशन करना कि आपने मेरी वीडियो देख के आए हो। इसके ऊपर आप कुछ और डालेंगे? नहीं सिर्फ धनिया डालेंगे। बस तो हमारी ये हो गई मलाई चाप है वो तैयार होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमको फॉलो करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।